ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है, हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकतू करना है। ठीक बात है। जो बोझ है, आत्मा जिसके कारण से खुश नहीं रहती है, उदास रहती है, टेंशन में रहती है, टेम्प्रेरी खुशी होती है, फिर उसी कॉर्नर में चली जाती है, सबका कारण है विकर्मों का बोझ। तो विकर्मों का बोझ खत्म होगा बाबा की याद से। मतलब आम दुनिया की भी अगर हम देखें तो जब तक कोई व्यक्ति उसको करेक्ट करने का संकल्प नहीं करता, ठीक नहीं हो सकते ना। कोई तो साधन चाहिए। प्रश्न है, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भल कोई बच्चा बीमार भी पड़ता है, कुछ भी होता है, बाप साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है, आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। देखिए, हमको इसमें समझदार बनना है। बाबा ने ये बात कही, लेकिन इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है? कोई अगर दुखी है, आपको ये अपनी भोगना भोग रहा है, मैं तो साक्षी होकर देख रही हूँ क्या कुछ कर रहा है। तो बाबा का कहने का जो ऊपर शब्द था, अफसोस, हम किसी को बीमार देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहते वो नहीं, तुम हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, वो चुक तो कर रहा है, आप उसकी मदद करो, सब कुछ करो, सेवा करो, लेकिन प्रभाव में नहीं। गीत है, ये वक्त जा रहा है, बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नज़दीक होता जाता है, ये कोई के लिए रुकता नहीं है, ये बुद्धि योग की मुसाफरी है जो तुम्हें करनी ही है, ये शादी मुरादी तीरत आदि कुछ भी नहीं करना है, बाप का ये अंतिम डायरेक्शन है, मीठे मीठे बच्चे अब जाना है परम धाम। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो लिखा हुआ है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो, जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था वो अब सिखला रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अब ड्रामा के रास को जानते हो, हर एक चीज़ सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ये बेहद की दुनिया स्वर्ग थी, वहाँ कौन रहते थे ये तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। ड्रामा जो है, बाबा कहते हैं उसको अपने बुद्धि में रखो। पहले हम क्या थे, कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। बाप कहते हैं, तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो, भले कोई साइंस को नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उसके मुख से हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर ज़रूर निकलता होगा। सब भक्त बाप को ज़रूर याद करते हैं, बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए खुद छिप जाते हैं, बाप आते ही हैं एक बार। कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है, मैं अब जाऊं, शरीर का आधार ज़रूर लेना पड़े। जब धरती पर ऐसी होती है तो वो जैसे बाबा को खींच होती है कि मुझे अब धरती पर जाना चाहिए। तो बाबा निराकार है, निराकार को शरीर धारण करना है। गाया हुआ है, महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था, ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे, जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पाठ है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है, मैं भी जानता हूँ मनुष्यों को बहुत दुख है, घर में रोना पीटना लगा हुआ है, बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते, कितनी
गंदी दुनिया है, बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराता है। शिव बाबा कहते मैं आया हूं बच्चों को स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाने, कोई मेहनत नहीं कराता हूं, योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बीमारी खांसी आदि होती है, ये जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। फिर बाबा ने कहा कि अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है, तो इनको भी देखो, सब जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फर्क है। फिर बाबा ने कहा कि हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा, अभी पुरुषार्थी हैं। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी हैं। बाबा ने कहा कि हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं, तो ये अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है, कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी मिलती है, तो देखो कर्म भोग निकल पड़ता है। देखिए, जब व्यक्ति दवाई लेता है तो बीमारी उभरती है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म भोग आया। नहीं, जब हम पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो ये सब चीज़ें उभर के आती हैं। बाबा कहते ये बात उन सन्यासियों के साथ नहीं लगती है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है, जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो मैं हूँ, जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है परम पिता परमात्मा का, ये विश्व को नॉलेज देने के लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे स्वीट होम में जाकर बैठे। बाप आए हैं सदा शांत सदा सुखी बनाने। विश्व का मालिक को, शांत सुखी को, ये बाबा ही बना सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं रचयिता है। अभी करोड़ों हैं, सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे, शुरू में थोड़े होंगे, फिर वृद्धि को पाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ पर छोड़ने की तो बात नहीं है, वो सिंध का पाठ था, लिखा हुआ है कृष्ण ने भगाया, गऊ चराते थे, तो बाबा ने कहा भगाया पटरानी बनाने के लिए, ये तो भट्टी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं, सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वो भी काम करते हैं, परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर यहाँ आया था। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया आज, मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पाठ को जानने वाले आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने ये विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पाठ बजाने वाले बन जाते हैं।
नहीं, बाबा ने आज की सारी मुरली का भी यही ड्रामा और पूरा कल्प था। इसमें भी बाबा ने वरदान में भी वो बात कही है कि इस अंतिम जन्म को हीरे तुल्य बनाओ। हीरे तुल्य बनाएंगे अभी तो सारे कल्प में हीरो पाट धारे रहे। और स्लोगन है, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। आप पावरफुल बनिए, अपना रंग लगाइए। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।